चलो अच्छे इधर देखो, तो इधर देखो अच्छे बोर्ड पे। पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। देखो अच्छा अच्छे से देख लेना, बार बार रिवीजन नहीं आएगा ये, तो एक बार में देख लो। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो भी देख लो भाई, क्योंकि अब बार बार रिवीजन नहीं करोगे, एक बार देख लो, बाद में करना नहीं, या एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा ज्यादा बस खत्म। देखो अच्छा, ये डाइपोल है हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये सेंटर है, ये 2a है पूरा, इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक a है, ये एक पॉइंट है एक्सिस पे, p पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सेंटर से दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r, ठीक है। तो देखो अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इधर देखो अच्छा सार्थक, इधर देखो हाँ। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगी, बट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स होगी। इसे मैं ई पॉजिटिव और इसे ई नेगेटिव लिख देता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे है और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स है। समझे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से होगी, एक पॉजिटिव की वजह से होगी और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स। इधर देखो अच्छे, थोड़ा फोकस रखो भाई, जल्दी जल्दी देखते जाओ बच्चों, मेरा काम पूरा रिवीजन कराना है यार, आप लोग देख लो अच्छे अच्छे से। तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, जितना मैं करा पाऊंगा वैसे कराऊंगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो दोनों का सबसेक्शन होगा, ई प्लस माइनस ई नेगेटिव। सबसेक्शन क्यों होगा, क्योंकि एक की डायरेक्ट, एक की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और एक की लेफ्ट साइड है। हम लोग वैक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, हम लोग नॉर्मली स्केलर फॉर्म में ही इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, एक की लेफ्ट साइड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इससे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है पूरा आर और ये ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा आर माइनस ए। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें ये आर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के और क्यू चार्ज हो गया। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, जब कभी हम लोग फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, इधर देखो बच्चे, तो मॉड में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं या फोर्स लेते हैं तो मॉड, चार्ज को मॉड में रखते हैं और डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से ले लेते हैं, हम चार्ज का साइन ही पुट करने वाले। यहाँ पर ये मत कहना कि सर माइनस क्यू पुट कर दो, हमेशा फर्स्ट चैप्टर में चार्ज का साइन कभी पुट करते ही नहीं है, उसको किस में लेते हैं, हम लोग मॉड में लेते हैं। सेकेंड चैप्टर में चार्ज का साइन पुट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में चार्ज को नहीं, नहीं मैंने कहीं नहीं पुट करना, आपको साइन मॉड में लेना है, सिर्फ डायरेक्शन आपको चार्ज के हिसाब से लेनी है, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव के टूवर्ड्स। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डायरेक्शन चार्ज के हिसाब से लेते हैं बस, बट साइन नहीं लेते चार्ज का। जैसे डायरेक्शन हमने ले ली, देखो पॉजिटिव से अवे नेगेटिव के टूवर्ड्स, चार्ज के हिसाब से हमने डायरेक्शन ले ली बट साइन नहीं पुट करते, क्योंकि डायरेक्शन तो आप ले चुके हो ना चार्ज के हिसाब से, अब साइन क्यों ले रहे हो, तो साइन लेना है यहाँ, चार्ज इसको क्यों ही लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे सिर्फ, डायरेक्शन तो हम पहले ले चुके ना, ठीक है। नहीं अच्छा डायरेक्शन हम लेते हैं, डायरेक्शन चार्ज के हिसाब से लेते हैं, साइन नहीं लेते चार्ज का, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये अब यहाँ से यहाँ तक, अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर और ये प्लस ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। के क्यू को कॉमन ले लो आप लोग, ये क्या आ जाएगा, वन बाय आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस वन बाय आर प्लस ए का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ये के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी लगेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आ जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस फर्क ये है कि यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, अगर दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, तो इतना सा फर्क आ जाएगा बच्चे। ये अब क्या करते हैं बच्चे, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, के क्यू क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, मैं सीधे सीधे पुट करते जा रहा हूँ, ए आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये ओपन करोगे तो प्लस टू ए आर। स्लो हो जाए, अच्छा स्लो तो यार रिवीजन में नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अब 15 मिनट बचे हमारे पास, आपको पता होगा क्लास हमें ओवर करनी है,
और बाकी तो थ्योरी में तो हमें टाइम ज़्यादा लगाना ही नहीं है, थोड़ा तो हमने पढ़ ही रखा होगा, ज़्यादातर बच्चे तो हम बोर ही हो रहे होंगे, कई बच्चे तो जिन्होंने थोड़ी अच्छे से पढ़ रखी है, पर फिर भी देखो अच्छा हमारा काम है वही पूरा कराना, चाहे बच्चे अच्छे भी हैं पढ़ भी रखा है उन्होंने, पर उनको भी रिविज़न पूरा चाहिए, पूरा फिर से रिविज़न चाहिए, रिक्वायरमेंट है कल को कोई टॉपिक मिस हो जाए या जो भी है उनको आना चाहिए पूरा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता जो बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा है वो दोबारा पढ़ें इस चीज़ को, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, बस यहीं से पढ़ लें कहानी खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये 2ar और ये 2ar क्या आ जाएगा, 4ar हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चे पी क्या होता है, पी होता है क्यू इंटू 2a, तो क्यू इंटू क्यू और 2a की जगह हम लोग पी लिख देते हैं, यहाँ 4 को क्या लिख देते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q और 2A की जगह P आ जाएगा, तो 2 की जगह 2 आ गया, K की जगह K आ गया, इसकी जगह P आ गया, R बाय रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाता है। तो ये अच्छा इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाता है। इधर देखो अच्छा कुछ पूछना है तो मेरे को जाते हुए पूछ लेना, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दूंगा मैं, कोई नहीं मैं हो जाएगा, अच्छा अभी बाद में बात कर लेना, अच्छा अभी आगे कंटिन्यू करते हैं ना। तो देखो अच्छा पहला डेरिवेशन हमारा ये है कि हम डाइपोल के एक्सिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इधर देखो अच्छे, इधर देखो ठीक है, डाइपोल के एक्सिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसके बाद जो दूसरा डेरिवेशन होगा वो डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे। अच्छा यार एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो अच्छा वैसे थ्योरी ज़्यादा आती नहीं है, बट यार एक चीज़ आप बोलूँ, थ्योरी में अगर कुछ भी आए तो मार्क्स कटने नहीं चाहिए यार, ये चीज़ का ध्यान रखना। न्यूमेरिकल भी कराएंगे यार, कॉन्सेप्चुअल भी कराएंगे, सब कराएंगे ठीक है यार, आप लोग करके ही नहीं आओगे थ्योरी भी तो गलत चीज़ है ना। कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल तो सब कराएंगे, बट फिर भी इसमें मार्क्स कटवा दोगे तो ज़्यादा बहुत बुरा लगता है ना, थ्योरी नहीं आती थी किसी को, डेरिवेशन ही नहीं आता था, जबकि बहुत ज़्यादा मार्क्स की थ्योरी तो नहीं आनी, वैसे एक एक मार्क्स में तो थ्योरी कुछ खास आनी नहीं है, डेरिवेशन कम ही आने, डेरिवेशन गिनती के चैप्टर से आने बच्चों, देखो पहले चैप्टर से डेरिवेशन आ सकता है, चौथे चैप्टर से आ सकता है, चौथे चैप्टर में डिवाइसेस हैं एक्चुअली बेसिकली, तीसरे से बच्चे मुश्किल ही है क्योंकि तीसरे में भी कुछ खास डेरिवेशन का है नहीं ना। तीसरे में देखो यार पोटेंशियोमीटर वगैरह मीटर बीज वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्टिक्स से डेरिवेशन आ जाएगा, मतलब ज्यादा डेप्थ है अच्छे, बट आता नहीं, मतलब खास नहीं आता, तीसरे से कम ही आता है, जबकि है डेरिवेशन उसमें भी बट आते नहीं उससे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इधर देखो बच्चे हमारा ये डाइपोल है, सेकंड डेरिवेशन, ये पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट है, पी पॉइंट, यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इधर देखो बच्चे पॉजिटिव चार्ज की वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऐसे अवे, और नेगेटिव चार्ज की वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ई, जबकि अगर देखा जाए तो ये ए है, ये भी ए है, इसको हम क्या कह देंगे आर, आर क्या होता है डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है, सारे डिस्टेंस जब भी लेते हैं डाइपोल के सेंटर से लेते हैं, डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट पे का डिस्टेंस है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये डाइपोल का सेंटर है, यहाँ से हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर। तो देखो जो इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, ये एंगल थीटा हो जाता है और ये एंगल भी क्या हो जाता है थीटा हो जाता है, सिमेट्रिकल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अवे, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई यहाँ पर, बट हमें इसे वेक्टोरिकली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से बताओ अच्छे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंडियर, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर दो, जैसे ये थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये भी ई है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों है, क्योंकि चार्ज भी सेम है, चार्ज की वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी। अगर इसको रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, साइन थीटा कट जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी 2e cos थीटा आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से चार्ज से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस ये रहा, ये कितना होगा, यहाँ ये a है ये r है, ये क्या होगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट हमें डिस्टेंस का स्क्वायर पुट करना होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और cos थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ट्राइंगल की बात की जाए, ये देखो ये ट्राइंगल की बात की जाए, ये ट्राइंगल है, यहाँ पर ये आर है, ये ए है, ये आर है, ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ बेस कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, यहाँ बेस कितना हो जाएगा ए, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट आप इसको लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, क्योंकि रूट को हाफ लिखा जा सकता है। अगर ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टू ई क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, हाफ। इससे क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू इंटू टू ए। देखो जो क्यू इंटू टू ए को क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा के और इसकी जगह पी हो जाएगा, और इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर वन है, इसकी हाफ है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाय टू हो जाएगा। तो इससे बच्चों डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू। समझो बच्चों, इसको पॉज कर देते हैं, अभी चलेगा बच्चे। चलो इधर देख लो बच्चे, इधर देख लो बच्चे, रमा इधर देखो। हाँ देखो बच्चों, ये डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अभी अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा क्यू ई। और क्योंकि चार्ज बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे इधर फोर्स क्यू ई लगेगा, इस पे इधर फोर्स क्यू ई लगेगा, तो नेट फोर्स डाइपोल पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। बट नेट फोर्स तो जीरो हो जाता है, बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होता, डाइपोल घूमता है। इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क प्रोड्यूस करके डाइपोल को क्या करता है, घुमाता है, रोटेट कराता है। और ये जो टॉर्क है, यहाँ पर टॉर्क एक टॉर्क नहीं होता, दो टॉर्क होते हैं, कपल होते हैं, तो यहाँ नेट टॉर्क टू टाइम्स हो जाता है। कपल क्या होता है, जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में बॉडी को घुमा रहे हो, दो टॉर्क एक डायरेक्शन में बॉडी को घुमा रहे हो, उसे कपल कहा जाता है। तो वहाँ पर टॉर्क को टू से मल्टीप्लाई किया जा कर दिया जाता है। अच्छे तो टॉर्क क्या होता है, अच्छे टॉर्क होता है आर एफ साइन फाई, ये टू ए पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है। रेडियस कितना हो गया, ए, फोर्स कितना हो गया, क्यू ई। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, टू ए क्यू ई साइन फाई, यहाँ क्या होता है अच्छा, क्यू इंटू टू ए को क्या लिख देते हैं, पी। नेट टॉर्क क्या हो जाता है, पी ई साइन फाई या पी ई साइन थीटा लिख सकते हो। अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो नेट टॉर्क क्या हो जाता है, पी क्रॉस ई हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है बच्चों, ये नेट टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है। डेरिवेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है भाई, समझ लो मेरी बात को फिर से। आपको एग्जामिनेशन में डेरिवेशन को आपको जल्दी जल्दी निपटाना है, छोटे छोटे से में। ये नहीं है कि आपने दो तीन स्टेप कम लिख दिए तो डेरिवेशन मार्क्स कट जाएंगे। देखो यार, थ्योरी में आपके मार्क्स बहुत ही कम कटेंगे, ध्यान रखना एग्जामिनेशन में। टीचर को भी पता होता है डेरिवेशन सब लिख देते हैं, स्कूल में टीचर काट देता होगा, कह देता होगा आपने वैसे किया ऐसे किया है, बट एग्जामिनेशन बोर्ड में नहीं कटते, क्योंकि उनको पता होता है कि थ्योरी तो बच्चे लिख ही देते हैं, वो काटेंगे किस में, न्यूमेरिकल में, कॉन्सेप्चुअल में काटेंगे, क्योंकि वो उसमें आपको आएगा ही नहीं। अरे बच्चे उठ पटांग मत, बातें मत करो, इधर देखो। चलो आगे बढ़े, मिटा दें, ठीक है बच्चों। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है, अगर आपको देखना है बच्चों वीडियो में अपलोड कर दूंगा, दोबारा अगर देखना है तो देख लेना। देख लो बच्चे, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे, ठीक है बच्चों। एप्लीकेशंस इधर देखो भाई, गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन इधर देखो बच्चे, तपन इधर देखो बच्चे, ये बच्चे एक वायर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंकित बात मत करो बच्चे, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है काफी सारे इनफाइनाइट। हमें इससे कुछ दूरी पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, यहाँ पर एक वायर से कुछ दूरी पे क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी एक वायर से जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, गॉस थ्योरम लगाते हैं। गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस मानना पड़ता है। यहाँ पर कैसा गॉसियन सरफेस मानते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं, बट ये है उस गॉसियन सरफेस का रेडियस, ध्यान लो बच्चे, उसका रेडियस उतना ही होना चाहिए जितनी दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सुन लो बच्चे,
उस गॉसियन सरफेस का रेडियस उतना होना चाहिए जितनी दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना और उसका रेडियस कितना होगा, उस सिलेंडर जितना होगा, मतलब उस दूरी जितना होगा जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब गॉस थ्योरम ये कहती है कि जितना फ्लक्स एमिट होता है उतना बाहर निकलता है। जैसे इसने एमिट किया होगा, इधर देखो बच्चे, ये एमिट करेगा चार्ज और उतना बाहर जाएगा। यहाँ पर जो सिलेंडर है इसके तीन सरफेसेस हैं, फर्स्ट सरफेस ये रहा, ये सेकंड कट सरफेस है और थर्ड ये सरफेस है। तो जो चार्ज इसके अंदर प्लेस्ड है उसे फ्लक्स फैलेगा, फ्लक्स बाहर आएगा और कुछ फ्लक्स का हिस्सा फर्स्ट सरफेस से जाएगा, कुछ सेकंड से जाएगा, कुछ थर्ड से जाएगा, ऐसा हम कह रहे हैं फिलहाल। कि इधर देखो बच्चे, इधर जैसे मान लो इस रूम में बल्ब हम प्लेस कर दें सेंटर पे, तो बल्ब लाइट एमिट कर रहा है, उस लाइट का कुछ हिस्सा एक दीवार पे जाएगा, कुछ दूसरी दीवार पे जाएगा, कुछ तीसरी दीवार पे जाएगा, ऐसे ही चार्ज अपने आसपास फ्लक्स छोड़ रहा है। कुछ फ्लक्स फर्स्ट पे जाएगा, कुछ सेकंड पे जाएगा, कुछ थर्ड पे जाएगा। फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड सरफेस के लिए लगा लेते हैं ई डॉट डी ए फॉर फर्स्ट सरफेस, ई डॉट डी ए फॉर सेकंड सरफेस एंड ई डॉट डी ए फॉर थर्ड सरफेस। वी आर टेकिंग दिस वैल्यू फॉर ऑल थ्री सर्फेसिस। तो जब हम लोग यहाँ देखते हैं ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको ओपन करते हैं, ये होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो पहले सर्फेस में देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, ऐसे ऐसे जाते हुए अवे, इधर अवे, इससे भी अवे अवे। तो फर्स्ट सर्फेस देखो अच्छे, फर्स्ट सर्फेस में एरिया वैक्टर तो इधर होगा, एरिया वैक्टर हमेशा एरिया से मतलब आउटसाइड होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। तो एंगल कितना हो रहा है एरिया वैक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 90 हो जाएगा। सेकंड सरफेस में देखो तो क्या होगा, ये फर्स्ट सरफेस के लिए हुआ, सेकंड सरफेस में ई डी ए cos थीटा। तो एरिया ये एरिया है, एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। और यहाँ पर थर्ड सरफेस में देखो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 थर्ड सरफेस के लिए। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इन दोनों सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, मेनली इस सरफेस से हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट, इसको बाहर ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बच जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। छोटे छोटे एलिमेंट इंटीग्रेट कर लो सेकेंड सरफेस के, एक्चुअली सेकेंड सरफेस है कौन सा, सेकेंड सरफेस कर्व सरफेस है बेसिकली, इसका फ्लक्स तो कैंसिल हो गया। अभी कर्व सरफेस के छोटे छोटे एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दो तो ये पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ये सिलेंडर है, इसकी लेंथ मान लो एल है, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पूरा एरिया क्या आ जाएगा, ये 2πRL आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसको नीचे भेज दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी क्यू बाय 2πRL एप्सिलॉन नॉट। और हमने पढ़ रखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या लिखते हैं हम लोग, लैम्डा लिखते हैं। ये क्या होता है, क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्या हो जाएगा 2πεr। तो किसी भी एक वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है वो क्या आता है, लैम्डा बाय 2πεr। अगर आप देखो अच्छे ये रिलेशन देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1r से वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है, ऐसे हाइपरबोलिक वेरिएशन कर रही है ये। तो अच्छा ये फर्स्ट केस है, समझे कौन सा केस है, एक वायर से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उसके बाद सेकंड केस कौन सा आता है, शीट। सेकंड केस कौन सा आता है, शीट। जल्दी जल्दी अच्छे हम करेंगे शीट का करेंगे, उसके बाद हम स्फेयर का करेंगे, फिर क्लास ओवर हो जाएगी। बट नेक्स्ट क्लास बच्चे थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। और वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में तो इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में ज़्यादा हम पढ़ेंगे। अच्छा एक क्लास बच्चों ऐसे लूँगा मैं, कोशिश ये करूँगा कि अब वो भी क्वेश्चन कराए जाएँ जो कभी नहीं कराए हैं, बट उसमें क्या होगा वो थोड़ी लंबी क्लास होगी और वो कभी कभी होगी, और उसमें हम एक ही क्लास में तीन तीन चार चार चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे सीधे सीधे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन करेंगे। बट वो इसके लिए नहीं, उसका मोटिव थोड़ा अलग ही है, अलग है उसका मोटिव अलग है बच्चे। नहीं नहीं चार चार पाँच पाँच चैप्टर की बात कराएंगे, पाँच पाँच चैप्टर की बात कराएंगे। ठीक है अच्छे आगे बढ़ते हैं। तो चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, नहीं भगाएंगे अच्छा नहीं भगाएंगे, फर्स्ट चैप्टर तो थोड़ा सा वो है ना, बाद में क्लास भी तो 2 घंटे की हो जाएगी। सुन लो भाई इधर इधर इधर, बाद में क्लास भी तो 2 घंटे की हो जाएगी फरवरी में, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा मिलेगा ना, अभी तो क्लास भी 1 ही घंटे की चल।
हो जाएगा अच्छे, प्रैक्टिकल जल्दी से हो जाएगा। आप लोगों का 25 तारीख के आसपास निपट जाओगे अब इस बार, 25, 26, 27 के आसपास निपट जाओगे। जनवरी बच्चे चलो अच्छा नेक्स्ट, ये शीट है बच्चों, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड तक इधर देखो बच्चे, आखिरी तक बच्चे, मार्च तक नहीं, नहीं पेपर वाले दिन नहीं आना बच्चे। इधर देखो बच्चे, हाँ अच्छे अभी ना, अभी 5-10 मिनट में हो जाएगी अच्छे। इधर देखो ये एक शीट है बच्चे, ये एक शीट है, शीट से वैसे तो अच्छे मैंने गॉसियन सरफेस ही ड्रॉ कर दिया। इधर देखो अच्छे बोर्ड पे, ये शीट है, इस शीट से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इस शीट से कुछ दूरी पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आप गॉस थ्योरम लगाओगे, गॉस थ्योरम के लिए गॉसियन सरफेस मानोगे। हम यहां पर कैसा गॉसियन सरफेस मान लेंगे, सिलेंड्रिकल नेचर का गॉसियन सरफेस मान लेंगे, ऐसे सिलेंडर मान लो, क्यूब मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे NCERT ने क्यूब लिया है, कई बुकों ने सिलेंडर लिया है, कईयों ने क्यूब लिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ पर। आंसर तो फाइनली ओवरऑल सेम ही रहता है क्योंकि कोई मैटर नहीं करता। इधर देखो अच्छे, तो एक्चुअली क्या है कि देखो अच्छे, यहाँ पर अगर देखो, इधर देखो अच्छे, इधर देखो, तो यहाँ पर बेसिकली इसके तीन सरफेस होंगे, फर्स्ट सरफेस ये होगा, सेकेंड सरफेस ये होगा और थर्ड सरफेस ये होगा, ठीक पहले की तरह ही। तो चक्कर क्या होता है कि जितना फ्लक्स, देखो हमने चार्ज कितना इंक्लोज किया, सिर्फ इतना चार्ज इंक्लोज किया है, तो हम लोग फ्लक्स सारे का काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्लक्स का काउंट करेंगे, इतने चार्ज का काउंट करेंगे। तो फ्लक्स इतना जो चार्ज या फ्लक्स एमिट कर रहा है, उसका कुछ हिस्सा फर्स्ट सरफेस से निकलेगा फ्लक्स का, कुछ हिस्सा सेकेंड सरफेस से निकलेगा, और कुछ हिस्सा किससे निकलेगा, थर्ड सरफेस से निकलेगा। यहां पर हमने उन्हें इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इधर देखो अच्छे, इधर देखो भाई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है अवे, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है अवे। तो फर्स्ट सरफेस देखो, फर्स्ट सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो फर्स्ट सरफेस में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर जब ओपन करोगे तो ये ई डी ए कॉस जीरो हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के केस में, जीरो डिग्री। सेकेंड सरफेस के लिए लिखोगे तो सेकेंड सरफेस ये हमारा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही है, राइट साइड जा रही है ऐसे ही, एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो सेकंड सरफेस पे हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। और थर्ड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है और एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जितना फ्लक्स इस सरफेस से बाहर आएगा उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से बाहर आएगा। रीजन क्या है कि सिमेट्रिकल है, दूरी भी क्या है लगभग लगभग सेम ली है हमने, सिमेट्रिकल लिया है। तो एक काम करते हैं, इसको सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे ही तो कॉस 0 1 हो जाएगा, ये भी कॉस 0 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर आ जाएगा, ये डी ए ऐसा रह जाएगा, और इसको 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसको इसको टोटल में लाके 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जितना फ्लक्स इसका कर्व सरफेस का, तो फ्लक्स 0 हो गया, इससे फ्लक्स निकल रहा है, इससे फ्लक्स निकल रहा है, जितना फ्लक्स ये यहाँ से निकालेगा उतना ही फ्लक्स ये यहाँ से निकालेगा, क्योंकि चीज़ें क्या है, सिमेट्रिकल है, क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर एक रूम में एक बल्ब बीच में लगाओ, ठीक बीच में लगाओ, सुनो, तो जितना एक दीवार पर फ्लक्स पड़ता है उतना ही दूसरी दीवार पर फ्लक्स पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप इसे लिखो तो 2E, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ इसका ये एरिया, ये रीजन। अब अच्छा एक काम करो, इसको नीचे भेज दो ऐसे, क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। चार्ज बाय एरिया क्या होता है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। अच्छी, तो ये एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा इसमें खास बात है, अच्छा बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे इसे शीट नहीं, इनफाइनाइट शीट कहते हैं,
मतलब काफ़ी लार्ज शीट हो, इनफाइनाइट शीट हो, वैसे तो कुछ इन्फिनिटी हो नहीं सकता, बट लार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, डिस्टेंस के साथ ही हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। जैसे मान लो ये एक शीट है, अगर यहाँ पर एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, क्या दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी डिफरेंट होगी? सेम होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस है। वैसे तो यार इनफाइनाइट शीट तो वैसे ही पॉसिबल नहीं हो सकती है, बट चलो है जो है करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जो आखिरी केस करते हैं, जल्दी से क्लास खत्म करते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दें इसको। अब बच्चों इसके बाद आते हैं स्फेयर पे, स्फेयर या शेल मान लो, अंकित बात मत करो बच्चे इधर देखो, हाँ कुछ पूछ लेना मुझसे जाते हुए पूछ लेना यार, इधर देख लो, इधर देखो, थर्ड बच्चे शेल है, कंडक्टिंग शेल मान लो, तो इसके इनसाइड में और आउटसाइड में निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड एंड आउटसाइड, और ग्राफ भी बनाना है एक, ठीक है। तो इनसाइड अगर निकालनी है तो सारा चार्ज स्फीयर के सरफेस पे ही होता है, अंदर नहीं होगा। अच्छा ये सॉलिड भी होता, अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी होता तो सारा चार्ज सरफेस पे होता, बताओ सार्थक क्यों? अगर ये सॉलिड भी होता तो सारा चार्ज सरफेस पे क्यों हो जाता? अगर कंडक्टिंग स्फीयर है सॉलिड भी है, जो चार्ज अगर अंदर प्लेस करोगे रिपेल होते होते मैक्सिमम दूरी बनाने के लिए वो सब सरफेस पे आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ये चार्ज चार्ज ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल्शन के चक्कर में वो सरफेस पे आ जाता है। आइदर ये सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये शेल है। अच्छा अगर ये नॉन कंडक्टिंग होगा तो सारा चार्ज सरफेस पे नहीं होगा, वो तो हमें फिलहाल मतलब नहीं होता फिलहाल इससे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर इनसाइड निकालना है, फर्स्ट केस से क्या है, अगर आपको इनसाइड निकालना है तो इनसाइड गॉसियन सरफेस मान लो, ऐसा ऐसा गॉसियन सरफेस मान लो, ये लगाओगे इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस में कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, सारा चार्ज बाहर है, तो यहाँ पर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। जबकि आउटसाइड के लिए जैसे लगाते हैं तो अब आप आउटसाइड में गॉसियन सरफेस मानोगे, अपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ये कैपिटल आर ये स्फीयर का रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो गॉसियन सरफेस का रेडियस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये लगाते हो तो यहाँ पर आप ये लगा सकते हो। अब यहाँ पर एक खास बात यह है, फायदा ये है, जब हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते थे तो उसमें तीन तीन सरफेस होते थे, इधर देखो तपन, जबकि स्फीयर में कितने सरफेस होते हैं, एक ही सरफेस होता है। तो स्फीयर में आप एक ही फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट है थ्रू आउट, ये बाहर आ जाएगा डी ए, डी ए क्या है, ये गॉसियन सरफेस के एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, फोर पाई आर स्क्वायर, ये गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया है, स्मॉल आर गॉसियन सरफेस का रेडियस है। यहाँ पर जो एरिया होता है गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, ध्यान रखना गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, ये बॉडी का एरिया नहीं होता है, गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बच्चों, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो ऐसा सा ग्राफ आ जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और आउटसाइड कैसी है, आउटसाइड कैसे वेरी कर रही है, वन बाय आर स्क्वायर से वेरी कर रही है, ये ग्राफ आ जाता है। तो कुल मिला के ये सारा का सारा है डेरिवेशन, बाकी